जातिवाद पर आधारित एक ऐसी घटना सामने आई जो आपको झकझोर कर रख देगी। एक 15 वर्षीय दलित बच्ची सवर्णों के बगीचे से फूल तोड़ लेती है। इतनी सी बात पर करीब 40 दलित परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार भी कर दिया जाता है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ओडिशा के ढेनकनाल जिले के कटनिया केटनी गांव की है यह घटना, जहां एक दलित बच्ची करीब 2 महीने पहले गांव के स्वर्ण जाति के बगीचे से फूल तोड़ लेती है। इससे स्वर्ण जाति के लोग नाराज हो जाते हैं और पूरे गांव के दलित समुदाय का बहिष्कार कर दिया जाता है। फूल तोड़ने वाली दलित बच्ची के पिता ने कहा कि बात ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए हमने इस बात को लेकर माफी भी मांग ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में कई बैठकें करवाई गई और उन्होंने हमारा बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके बाद हमें किसी भी बात करने या सामाजिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। आपको बता दें कि इस गांव में करीब 800 परिवार रहते हैं, उनमें से 40 दलित परिवार भी वहां रहते हैं जो नायक समुदाय के हैं। उन सभी का एक साथ बहिष्कार कर दिया गया। उसी गांव में रहने वाली ज्योति नायक ने बताया कि सार्वजनिक प्रणाली की दुकानों से भी उन्हें राशन नहीं दिया जाता है और गांव का एक भी दुकानदार उन्हें राशन देने को तैयार नहीं है, जिसके कारण दलित समुदाय 600 किलोमीटर चलकर गांव से बाहर राशन लेने को मजबूर है। आपको बता दें कि अब दलित समुदाय ने इस बात को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में लिखा गया है कि पूरे दलित समुदाय का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने यह भी लिखा कि हमारे अधिकांश दलित लोग अर्ध साक्षर और अनपढ़ हैं और गांव के खेतों में काम करते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उन लोगों ने हमें यह भी कहा कि शादी या अंतिम संस्कार में भी कोई लोग इकट्ठा नहीं होंगे और हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। इसको जातिवाद का जहर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कौन कहता है कि भारत के अंदर जातिवाद नहीं है? इस घटना पर नजर डालिए, पता चल जाएगा कि जातिवाद है या नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आती रही है। अभी 5 दिन पहली घटना है जो नैनीताल से एक ब्राह्मण महिला जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती है और कहती है कि हमें हरिजनों से नफरत है। ये ताजे मामले हैं। महापुरुषों के इतने प्रयासों के बाद भी देश में जातिवाद ने अपने पैर जमा रखे। शिक्षित भारत में भी जातिवाद को लेकर मन झकझोर देने वाली ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है और सरकार भी फेल हो चुकी है। आजादी के 72-73 सालों बाद भी सरकारें नाकाम रही है जातिवाद को मिटाने, क्योंकि यहाँ पर मनुवादी सरकारें बनती है, कभी कांग्रेस आ जाती है तो कभी बीजेपी बन जाती है। आज तक बहुजनों की सरकार नहीं बन पाई। यदि बहुजनों की सरकार बन जाएगी तो हो सकता है जातिवाद खत्म हो जाए। और बहुजन महापुरुषों का भी यही कहना था कि अपनी सत्ता अपना शासक अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक ऐसे ही शोषण होता रहेगा। तो अब देखना यह होगा कि इस बार तख्ता पलट होता है या नहीं होता। क्या सरकार मनुवादियों की ही बनी रहेगी या बहुजनों के हाथ में सत्ता की चाबी आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।